पंजाब कांग्रेस में जारी तकरार के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट किया है। सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा है कि पद रहे या जाए वो राहुल प्रियंका के साथ है। उन्होंने लिखा कि नकारात्मक ताकतें मुझे हराने की कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो पंजाब की जीत के लिए काम करते रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने ये ट्वीट किया, और देखिए वो ट्वीट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि पद रहे या फिर ना रहे, लेकिन वो राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हमेशा रहेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो नकारात्मक ताकतें हैं वो भले ही उन्हें हराने की कोशिश करती रहें, लेकिन वो पंजाब की जीत के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करते रहें और आगे भी करेंगे। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू जिनको लेकर अभी पंजाब में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उस बीच वो ट्वीट करते हैं और वो ये बताते हैं कि देखिए वो कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं। देखिए वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में तकरार के बीच सिद्धू ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा कि गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों पर कायम रहूंगा, पद रहे या फिर जाए ये फैसला राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे। भले ही सारी नकारात्मक शक्तियां मुझे हराने में जुटी हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से मैं पंजाब, पंजाबियत और हर पंजाबी को जिताऊंगा। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ हैं। आशीष, नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट का क्या मतलब निकाला जाए? शिरीन, इसके तीन बड़े महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगते हैं। देखें आप, इस ट्वीट के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो जाता है शिरीन कि अभी तक ये जो मसला फंसा हुआ है नवजोत सिंह सिद्धू जिन मांगों को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था वो पूरी तरह से अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। मुझे भी इस तरह के इंडिकेशन संकेत मिले थे कि मुख्यमंत्री चन्नी अभी भी उन्हें दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई कंसेंसस अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू किसी अन्य दल में जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू विराम लगा रहे हैं। और ये भी दर्शाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर वापस उनका पद नहीं मिलता है उनके शर्तों पर तो भी वो एक विंडो खुला छोड़ना चाहते हैं। चुनाव बाद अगर जीत की स्थिति होती है तो उनको सीएमशिप के लिए कंसिडर किया जाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात शिरीन, आप देखें कि उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करना है। ये दो नेता, मैं आपको बता दूं, पिछले चार दिनों से जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है उनसे केंद्रीय आला कमान से गांधी फैमिली से कोई बात नहीं कर रहा था। ये छोड़ा गया था स्टेट लीडरशिप पे, चीफ मिनिस्टर पे, कि आप दोनों मिलकर मसले को सुलझा ले। ऐसे वक्त पे उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके ट्वीट करना कि मैं कुछ भी हो जाए, पद रहे ना रहे, आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये उन दो नेताओं को भी बता रहे हैं क्योंकि उनसे अब कोई संवाद नहीं हो रहा जब तक इस मसले का समाधान नहीं निकलता कि मैं हूं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा और आगे के लिए मेरे विकल्प खुले रहे। तो मुझे लगता है ये तीन बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक मुझे लगता है इस मसले का समाधान अभी तक हुआ नहीं है। श्री ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ही बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू इस ट्वीट के जरिए बताना चाह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा देखिए वो तो राहुल और प्रियंका को करना है, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ और पंजाब में उसे आगे बढ़ाने का काम करूंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।